दोस्तों, जब भी कोई विदेशी पर्यटक विजिटर इंडिया में आता है या कोई भारत से भी जब दिल्ली में आता है तो सबसे पहला जो देखने का सपना होता है, जो ख्वाहिश होती है, वो होते हैं इंडिया गेट, कि वो इंडिया गेट जाए। लगभग 2.5 साल से इंडिया गेट अभी बंद है और ये बहुत जल्द खुलने वाला है। मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये कब उद्घाटन करने वाले हैं मैं बताऊंगा आपको। मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद और अकेडमिक स्टेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ गए हैं इंडिया गेट। यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि नए तर्ज पर जो इंडिया गेट बना है उसमें क्या क्या नई चीज़ें बनाई हैं और इसको जो मोदी जी उद्घाटन करेंगे वो उसमें क्या नया है। आपको हम अंदर अभी ले जा नहीं सकते, इसलिए बाहर बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी भी बाहर से लोग आए हुए हैं, भीड़ कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर लोगों का एक हुजूम है, लोगों को देख सकते हैं आप के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कोई इजाजत नहीं है। आप अगर इंडिया गेट आते हैं तो आप राष्ट्रपति भवन भी जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये भी इसके खुलने का समय अलग होता है। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर दोनों ओर पार्क बने हुए हैं और इधर भी चारों तरफ हरियाली। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कितने पार्क्स यहाँ पर हैं। पहले यहाँ पर इस तरह नहीं होती थी, लोगों की भीड़ तो होती थी लेकिन इस तरह सफाई नहीं होती थी। अभी देखिए आप कितना क्लीननेस है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इंडिया गेट है और इसके दोनों तरफ पार्क बनाए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। और इधर देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। अभी अंदर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा कि कब ये खुलने वाला है और मोदी जी उद्घाटन करेंगे। ये 8 सितंबर को खुलने वाला है और टिकट के बारे में मालूम नहीं है। 40 से 50 रुपये तक इसकी टिकट हो सकती है। पहले अंदर जाने के लिए फ्री हुआ करता था लेकिन अब टिकट लेनी पड़ेगी, आपको थोड़े खर्च करने पड़ेंगे। तो आगे और देखिए, इधर चिल्ड्रन पार्क है, मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 8 सितंबर से ये खुलने वाला है और ये जब खुल जाएगा तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। और यहाँ पर जब आएंगे तो चारों ओर आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ बहुत भूल भुलैया है, अगर आपको ठीक से मालूम नहीं है यहाँ का रास्ता तो बहुत पूछना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉश एरियाज हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर अलग अलग सड़कें आ जा रही और चारों ओर गोल गोल घूमा हुआ है ये पूरा। तो आप यहाँ पर आए तो पहले जानकारी लें, उसके बाद
अब करते हैं इंडिया गेट के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। इंडिया गेट एडविन डेंटियर लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1931 में पूरा हुआ था। शुरू में इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 90,000 आर्मी ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने में अपनी जान गंवा दी थी। उन्हीं सैनिकों के सम्मान के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट के दीवारों पर इन आर्मीज के लिखे हुए नामों को भी देखा जा सकता है। अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के संग पिकनिक पर आना चाहते हैं तो इंडिया गेट सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ गर्मियों की शामें बहुत मज़ेदार होती हैं। दोस्तों आप फाउंटेन देख सकते हैं, यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं 8 तारीख के बाद, 8 सितंबर के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अलाउड हो जाएंगी। आप यहाँ पर आइए, टिकट भी लगेगी, वो सब आपको पता लगेगा उसके बाद ही कितने की टिकट है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह सेम एज वेल उधर भी है, और उधर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इंजॉय भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।